हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने चैनल में। आज हम बात करेंगे जयप्रकाश पावर वेंचर लिमिटेड के बारे में। देखेंगे क्या इस शेयर को बाय करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, इसके ऊपर हम जो है सारे को डिस्कस करेंगे। हर एक चीज़ मैं आपको इस शेयर के बारे में बताऊंगा, साथ ही साथ मैं आपको बता दूँ इसमें जो काफ़ी ज़्यादा जो बड़े नंबर पर जो बल्क डील की जा रही है, इस शेयर को काफ़ी ज़्यादा बाय किया जा रहा है और काफ़ी ज़्यादा क्वान्टिटी में इस शेयर को जो सेल किया जा रहा है। तो मैं आपको बताऊँगा कि अब हम रिटेल इन्वेस्टर हैं, जो हम छोटे छोटे जो इन्वेस्टर्स, हमको क्या स्टेप लेने चाहिए, क्या हमें शेयर को सेल करना चाहिए, बाय करना चाहिए या शेयर को होल्ड रखें, ये सारा कुछ आज हम जो बात करेंगे। वीडियो को आप एंड तक देखें, बिल्कुल भी स्किप ना करें, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए हो सकती है। एंड खासकर ये वीडियो उन लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है जो इसमें जो इन्वेस्ट कर चुके हैं, यानी कि जो इसके शेयर होल्डर्स हैं, जो जिस लोगों ने इस शेयर में ऑलरेडी जो इस शेयर को बाय कर चुके हैं, तो खासकर वो जो वीडियो को एंड तक देखें। एंड साथ ही साथ जो इसमें फ्रेश एंट्री लेने की सोच रहे हैं, तो वो भी जो इस वीडियो को एंड तक देखें, क्योंकि आपके लिए ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकती है। तो वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें ऐसी लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए। चलते सीधे वीडियो की तरफ, बिना टाइम वेस्ट करें। तो जैसे कि अगर हम बात करें जयप्रकाश पावर वेंचर के बारे में, तो यहाँ पे लगभग इसका जो प्राइस चल रहा है वो 5.25 रुपये चल रहा है। अगर हम देखें तो लगभग आज इसमें जो 2.78% की जो गिरावट देखने को मिली है। अगर हम देखें इसके 5 दिन के रिटर्न की, तो लगभग कंपनी ने जो 20.69% का जो रिटर्न दिया है, 1 महीने में 31%, 6 महीने में लगभग 77% का जो रिटर्न दिया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कंपनी ने करी। लेकिन मैं आपको बता दूं, जयप्रकाश पावर वेंचर, जैसे कि आपको पता होगा, कंपनी जो है पावर सेक्टर है, कहीं इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करती है एंड कोल माइनिंग भी जो है कंपनी, थर्मल पावर, ये सारा कुछ कंपनी का जो बिज़नेस है। और आपको पता होगा पावर सेक्टर की जो डिमांड है वो काफ़ी ज़्यादा हाई है, काफ़ी ज़्यादा है, और जो सप्लाई है वो इतनी ज़्यादा नहीं है, यानी कि डिमांड हाई है, जो सप्लाई है वो शॉर्टेज है। और आपको पता होगा इंडिया में काफ़ी ज़्यादा जो है सप्लाई की, वो पावर की काफ़ी ज़्यादा डिमांड है। एंड साथ ही साथ यूएई में एंड चाइना में आपको पता होगा पावर सेक्टर की काफ़ी ज़्यादा क्राइसिस चल रहे हैं, एनर्जी के जो है क्राइसिस है हमारे चाइना में। एंड साथ साथ इंडिया में आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा पावर सेक्टर की डिमांड है, तो यहाँ से आप अंदाजा ला सकते हैं पावर सेक्टर की कितनी ज़्यादा ग्रोथ हो सकती है। एंड साथ ही साथ जो आपको बता दूँ, जयप्रकाश पावर वेंचर जो है कोल माइनिंग, यानी कि कोल का खजाना, यानी कोल माइनिंग में, और कंपनी जो साथ साथ इलेक्ट्रिसिटी भी जो है जनरेट करती है, यानी कंपनी जो है दोनों ही बिजनेस में एंगेज्ड है। तो कंपनी जो है दोनों ही चीज़ से जो अपना प्रॉफिट जो है मुनाफा काफ़ी ज़्यादा बढ़िया कमा सकती है। लेकिन इस शेयर में जो अब मैं आपको बता दूँ, करीब 5 दिन से जो इसमें काफ़ी ज़्यादा तेज़ी देखने को मिली है, तो काफ़ी ज़्यादा लोग जो है इस शेयर को जो है बाय करने की सोच रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा लोग जो है इस शेयर को जो है देख रहे हैं, सोच रहे हैं इस शेयर में बाय करें ना करें, और काफ़ी ज़्यादा तेज़ी आ सकती है नहीं आ सकती है इस शेयर में बाय करें ना करें, तो उस सारी चीज़ के ऊपर मैं आज बात करूँगा। तो जैसे कि मैं आपको एक चीज़ और दिखा दूँ यहाँ पर, तो 18 घंटे यानी कि कल की बात है, यहाँ पे आप देख सकते हैं लगभग 7.5 करोड़ के जो शेयर्स हैं जयप्रकाश पावर वेंचर में जो सेल करे गए हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कैपिटल पार्टनर सोल्ड ओवर 7.5 करोड़ शेयर्स इन द जयप्रकाश पावर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसलिए जो आज इस शेयर में जो है गिरावट देखने को मिली है, लगभग इसके जो 7.5 करोड़ इक्विटी शेयर्स जो सेल करे गए हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं इसमें काफ़ी ज़्यादा जो है सेल की गई है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। साथ ही साथ 11 अक्टूबर 2021 यानी कि 11 अक्टूबर को इस शेयर को जो है काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में इस शेयर को बाय करा गया था, और आज जो है इस शेयर और कल जो है इस शेयर को सेल कर दिया था। कल यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, 11 अक्टूबर 2021 यहाँ पे आप देख सकते हैं इसमें काफ़ी ज़्यादा बड़ी जो बल्क डील हुई थी कल। यहाँ पे आप देख सकते हैं कल कितनी ज़्यादा जो इसमें ट्रेडिंग देखने को मिली, यहाँ पे आप देख सकते हैं लगभग यहाँ पे जो है इतनी ज़्यादा जो है सेल करी गई है। यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे सेल लगातार जो है 3 बार इतने बड़े बल्क डील में जो है सेल करी गई है, एंड उसके बाद साथ ही साथ बड़ी क्वांटिटी में इस शेयर को बाय भी करा गया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूँ, इस शेयर में इन्वेस्ट करना नहीं चाहिए, नहीं करना चाहिए, सिर्फ आपको बल्क डील पर ही जो है अपने डिसीजन को नहीं लेना है डिसीजन। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं ये शेयर को जो है ऑपरेटर जो है काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हैं, काफ़ी ज़्यादा जो है ऑपरेटर जो इस शेयर को ऊपर और नीचे ले जा रहे हैं, जो हम रिटेल इन्वेस्टर हैं वो इसमें फंस सकते हैं। तो इनके गेम को आपको समझना होगा, तभी आपको जो कोई स्टेप लेना होगा। तो उसके लिए आप वीडियो को जो एंड तक देखें, यहाँ पे ऐसे काफ़ी ज़्यादा सेल की जा रही है, फिर उसके बाद जो बाई किया गया है, यहाँ पे परचेस भी किया गया है काफ़ी ज़्यादा हाई क्वान्टिटी में। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक और चीज़ दिखा दूँ, कंपनी के जो है फंडामेंटल फाइनेंशियल पोजिशन मैं आपको दिखा देता हूँ कंपनी के। तो कंपनी के अगर हम फंडामेंटल की बात करें, तो कंपनी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है, काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ROE ROC कंपनी काफ़ी ज़्यादा शानदार है। यहाँ पे आप देख सकते हैं फेस वैल्यू कंपनी ने हाई 6.85 रुपये बनाया है, काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। कंपनी की मार्केट कैपिटल भी काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है, 3701 करोड़ की। एंड साथ ही साथ कंपनी के अगर हम नेगेटिव पॉइंट्स की बात करें, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कंपनी जो है
लगभग कंपनी की 87.30% के जो होल्डिंग है वो प्लेस यानी कि गिरमी रखी हुई है। ये काफ़ी ज़्यादा बड़ा नेगेटिव पॉइंट है। एंड साथ ही साथ मैं आपको यहाँ पर दिखा दूँ कंपनी की जो होल्डिंग है वो काफ़ी ज़्यादा कम है कंपनी के, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये सारे कुछ नेगेटिव है। तो इन चीज़ों को भी आप जो ध्यान में रखकर इस शेयर में जो इन्वेस्ट करें। लेकिन अगर हम देखें कंपनी के क्वार्टर रिजल्ट की, तो कंपनी ने क्वार्टर रिजल्ट में काफ़ी अच्छा परफॉर्म कराया। अगर हम देखें इसके P&L अकाउंट, तो P&L अकाउंट यहाँ पे आप देख सकते हैं कंपनी ने मार्च 2020 से 2021 में काफ़ी ज़्यादा बढ़िया जो रिटर्न ऑपरेटिंग प्रॉफिट आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ करा है। यहाँ पे आप सेल्स ग्रोथ देख सकते हैं इंक्रीज़ होती नज़र आ रही है। कंपनी जो मार्च 2020 नेगेटिव लॉस में थी, जो कि मार्च 2021 में कंपनी जो प्रॉफिट में हो चुकी है। अगर हम देखें तो कंपनी धीरे धीरे अपने आप को जो इम्प्रूव कर रही है, काफ़ी अच्छा जो परफॉर्म कर रही है। एंड साथ ही साथ अगर हम बात करें इसके बोरिंग्स की, तो कंपनी अपने बोरिंग्स को काफ़ी ज़्यादा डिक्रीज़ कर रही है। ये काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव बात है एंड आप यहाँ पर देख सकते हैं। एंड साथ ही साथ मैं आपको यहाँ पर दिखाऊँ इसके कैश फ्लो पोजीशन की, तो कैश फ्लो पोजीशन देख सकते हैं। एंड यहाँ पर अगर हम शेयर होल्डिंग पैटर्न्स की बात करें, तो फॉरेन इन्वेस्टर्स की होल्डिंग जो है जून क्वार्टर में डिक्रीज़ हुई थी। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन ने अपनी होल्डिंग को डिक्रीज़ कराया था एंड प्रमोटर्स ने अपनी होल्डिंग को डिक्रीज़ कराया। तो सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट मैं अगर आपको इस शेयर के बारे में बताऊँ, तो काफ़ी ज़्यादा जो है इसमें बड़े नंबर पर जो है इस शेयर को जो है सेल करा जा रहा है। आपको बता JSW एनर्जी ने जो है इस शेयर को काफ़ी ज़्यादा इस शेयर में से अपनी होल्डिंग को जो है निकाला था, यानी कि इस शेयर में काफ़ी ज़्यादा अपना पैसा जो है इस शेयर में से जो है निकाला था। तो ये काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव पॉइंट हो सकता है इस शेयर के। मैं आपको बता दूँ आप जो है इस शेयर में कितना पैसा इन्वेस्ट करें, अगर आप इन्वेस्ट करने की अगर आप इसमें रिस्क लेने की सोच रहे हैं इस शेयर में, आपको मैं बता दूँ दोनों ही चीज़ें, या तो ये शेयर आपको काफ़ी ज़्यादा हाई रिटर्न देके जाएगा, काफ़ी ज़्यादा बढ़िया मुनाफा देके जाएगा, या फिर जो है ये शेयर आपको जो है रिटर्न नहीं देगा, और या फिर ये शेयर जो है ऐसा ही जो है चलता रहेगा और ये शेयर आपको नुकसान देकर जा सकता है। तो दोनों ही बातें, इसमें रिस्क जो है काफ़ी ज़्यादा हाई है और रिटर्न देने का भी पोटेंशियल आपको इसमें काफ़ी ज़्यादा देने को मिल सकता है। अगर कंपनी, बिल्कुल ध्यान से सुनो, अगर कंपनी क्वार्टर ऑन क्वार्टर अपने आप को काफ़ी अच्छा परफॉर्म करती है, तो अपने प्रॉफिट को इंक्रीज़ करती है, अपने बिजनेस को कंपनी काफ़ी ज़्यादा बढ़िया एफिशिएंटली यूज़ करती है, अगर कंपनी का मुनाफा इंक्रीज़ होता है वो नज़र आ रहा है, अपने कंपनी बिजनेस को इंप्रूव कर रही है, अपने आप को इंप्रूव करती जा रही है, तो इसमें आप जो है शेयर में काफ़ी ज़्यादा बड़ी तेज़ी देखने को मिल सकती है। लेकिन इसमें जो रिस्क है वो उतनी ही ज़्यादा है, क्योंकि अभी जो ऑपरेटर हैं वो इस शेयर को जो है काफ़ी ज़्यादा ऊपर नीचे ले जा रहे हैं, तो इस शेयर में काफ़ी ज़्यादा जो आप लोगों को जो है रिस्क देखने को मिल सकती है, काफ़ी ज़्यादा शेयर में रिस्क है। तो मैं आपको बस यही कहना चाहूँगा, अगर आप इस शेयर को बाय करने की सोच रहे हैं, तो आप जो है इस शेयर को बाय उतना ही आप जो इस शेयर में पैसा लगाएं जितना आप जो लूज़ करने के लिए रेडी हैं। यानी कि अगर आपने 10,000 रुपये लगाए और अगर आपको वो 10,000 रुपये अगर आप इन केस वो 10,000 रुपये आपके डूब जाते हैं, तो आपको उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। तो आप जो उतने पैसे जो इस शेयर में लगाएं, आप 2,000 रुपये लगा सकते हैं, अगर आपको 2,000 रुपये से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है तो आप 2,000 रुपये इसमें लगा सकते हैं, क्योंकि जो इसमें रिस्क है वो काफ़ी ज़्यादा हाई है। लेकिन इसमें पोटेंशियल है, यानी कि इसमें अगर कंपनी इंप्रूव, नहीं मैं आपको बता दूँ पावर सेक्टर की जो डिमांड है वो काफ़ी ज़्यादा है, जो सप्लाई है वो काफ़ी ज़्यादा कम है, तो इस केसेस में कंपनी जो है यहाँ से काफ़ी ज़्यादा बढ़िया आपको मुनाफा दे सकती है, क्योंकि कंपनी जो कोल माइनिंग में भी और साथ साथ कंपनी इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट करती है, तो दोनों ही सेक्टर में कंपनी है, तो यहाँ से आपको मुनाफा काफ़ी ज़्यादा बढ़िया रिटर्न देने को मिल सकता है। तो इसलिए मैं आपको बता दूँ, अगर आप रिटर्न अगर आप जो उतना पैसा लगाते हैं, अगर कंपनी बढ़िया परफॉर्म करती है, अगर कंपनी काफ़ी अच्छा रिटर्न देती है, तो आप जो है वहाँ से काफ़ी ज़्यादा बढ़िया रिटर्न ले सकते हैं। अगर आप कंपनी में रिस्क जो है काफ़ी ज़्यादा हाई, इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि उतना ही पैसा जो आप लगाएं जितना आप लूज़ करने के लिए रेडी हैं, जिससे आपका कोई आपकी वेल्थ पर जो कोई असर ना पड़े, तो आप उतना ही पैसा इस शेयर में इन्वेस्ट करें। अगर कंपनी रिटर्न आपको काफ़ी ज़्यादा बढ़िया देगी, तो आप जो वहाँ से ले सकते हैं। अगर आपको नुकसान देकर जाएगी, तो आप जो है जिससे अगर आपको नुकसान भी होता है कोई केस, तो आपको जो है कोई फ़र्क ना पड़े। तो इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप उतना ही पैसा जो इसमें इन्वेस्ट करें। अगर कंपनी यहाँ धीरे धीरे क्वार्टरली काफ़ी ज़्यादा बढ़िया परफॉर्म करती है, तो आप जो अपनी इन्वेस्टमेंट को जो है धीरे धीरे इंक्रीज़ कर सकते हैं। और मैं आपके लिए जो अपडेट आता रहूँगा इस शेयर के ऊपर, इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, ऐसी लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।